सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। और आज मैं आप लोगों के साथ बारात का जो व्लॉग है वो शेयर कर रही हूँ। तो बारात की जो सारी प्रिपरेशन घर पे हो रही थी, जो भी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे और जो भी मतलब कि ताम झाम चल रहा था घर पे, उन सारी चीज़ों से ही मैं शुरू कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना और यूसुफ का जो भी ड्रेस वगैरह है वो सब रेडी करके रख दी हूँ और हम लोग अब रेडी होने वाले हैं। ये मेरा लहंगा है और लहंगे का जो पूरा लुक है वो मैं नहीं दिखाई थी। मैं जब लहंगा वाला ब्लॉग बनाई थी ना, तब से मुझे कमेंट आए थे कि आप अपने लहंगे का डिज़ाइन या जो भी लुक है वो ज़रूर शेयर करो। तो मैं आज वो सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ और ये सारी मेरी ज्वेलरी है। साथ ही यहाँ पे जो दूल्हे मियाँ हैं उनका भी सारा जो भी सामान है ना वो तैयार होकर के रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल सा ड्रेस जो है मेरे भाई ने बनवाया था, बट माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ। अब बस यूसुफ देखते ही रह जाएगा निहार। और यहाँ पे जो है फ्लावर बैंगल्स हमारे आए थे और हम सब ने ये रखा था सारी सिस्टर्स ने कि हम लोग पहनेंगे ये। तो यहाँ पे मेरी बहन छोटी वाली जो है वो अपना बैंगल्स पहले दिखाई और उसके बाद वो मुझे पहना रही थी। ये फ्लावर वाले जो बैंगल्स हैं ना बहुत प्रीटी लगते हैं, स्पेशली वेडिंग टाइम में तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं बन रहा अच्छे से गाड़ी सब। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बारात निकल चुकी है, हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना आतिशबाजी हो रही है, तो वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला हमको सबसे अच्छा लगता है, पटाखा में साउंड वाला बड़ी डेंजर लगता है।
फाइनली यहाँ पे हम लोग अपना डिनर कर रहे हैं और सारे लोग मिल करके एक ही टेबल में खा रहे हैं, तो डिनर का बहुत थोड़ा सा क्लिप ले पाई हूँ और आगे जो है कुछ बातें आपसे आतिफ मियाँ कहेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कौन खाए, माशाल्लाह माशाल्लाह यूसुफ। फाइनली जो बारात वाला व्लॉग था ना, वो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।